नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो है मुंबई के सभी स्टेशनों से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो है मुंबई से गोरखपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में। मुंबई से गोरखपुर के बीच में जो भी ट्रेन चलती है उसके बारे में बात करेंगे। मुंबई से गोरखपुर के बीच में तकरीबन 14 ट्रेनें चलती हैं। 10 जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, एक सुपर फास्ट ट्रेन है और 3 जो है अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि मुंबई से गोरखपुर तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नंबर क्या है, नाम क्या है और कौन से दिन वो मुंबई के कौन से स्टेशन से रवाना होती है और कितनी देरी बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है और उसका मुंबई से चलने का समय क्या है, गोरखपुर में पहुंचने का समय क्या है, कौन से दिन वो चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितनी यात्रा वो कवर करती है मुंबई से गोरखपुर जंक्शन के बीच में। और इसमें सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है वो है मुंबई गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस, जो 29 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है वो है बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, जो 41 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं एक एक करके कि मुंबई से गोरखपुर तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन की डिटेल्स क्या है। मुंबई से गोरखपुर तक चलने वाली जो सबसे पहली ट्रेन है वो है बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, जो वाया बढ़नी होकर चलती है। ये जो ट्रेन है आप कह सकते हैं कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है। ये ट्रेन इस रूट पे 41 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसका ट्रेन नंबर है 15068। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से हर शुक्रवार को रात के 12:20 पर यह 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 41 घंटे 15 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में उत्तर प्रदेश में शाम के 5:35 पर पहुंचती है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसके तकरीबन 26 स्टेशन है, 1901 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। ये बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच में चलती है वाया बढ़नी होकर, हर शुक्रवार को सिर्फ चलती है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन चलती है वो है बांद्रा टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है 36 घंटे 25 मिनट में बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर की दूरी जो है कवर करती है। ये बांद्रा टर्मिनस मुंबई से रवाना होती है हर इतवार को और गोरखपुर तक ये ट्रेन जो है 36 घंटे 25 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। ये अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, यानी कि इसमें सिर्फ जनरल अंडरसर्ड डिब्बे होते हैं और आप टिकट लेकर चढ़ सकते हैं, जनरल टिकट। और इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 2026 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, इसका ट्रेन नंबर है 22921। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है काशी एक्सप्रेस। काशी एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 15017। ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। काशी एक्सप्रेस जो है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रोजाना सुबह 6:35 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 36 घंटे 35 मिनट बाद ये गोरखपुर जंक्शन में शाम के 7:10 पे पहुंचती है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इसके तकरीबन 72 स्टेशन हैं, 1708 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और उसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए आपके टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है गोदान एक्सप्रेस, जिसे मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर इतवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलती है और 33 घंटे 25 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है। गोदान एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 11055 और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1727 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। हफ्ते में 4 दिन चलती है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसलिए आपके टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसे सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर इतवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को गोरखपुर के लिए रवाना होती है।
गोदान एक्सप्रेस के बाद जो अगली इकलौती सुपरफास्ट ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है मुंबई गोरखपुर संत कबीर धाम एक्सप्रेस। ये सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ये जो ट्रेन है 29 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 1680 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मुंबई से गोरखपुर तक चलने वाली संत कबीर धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 125-42 और इसमें LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार के कोच भी शामिल है। और ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है मुंबई से गोरखपुर के बीच में। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे जो कि सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस। ये अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, इसमें सिर्फ जनरल अंडरसोर डिब्बे होते हैं और 29 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर में पहुंचती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं, 1693 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर। ये अंत्योदय एक्सप्रेस जो है हर बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दोपहर के 1:30 पर चलती है और गोरखपुर जंक्शन में ये 29 घंटे 5 मिनट बाद शाम के 6:35 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। इसमें सिर्फ जनरल अनरिजर्व डिब्बे होते हैं। इसके बाद जो अगली अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वैसे मुंबई से छपरा के बीच में चलती है बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो मुंबई से गोरखपुर की बता रहा हूँ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये मुंबई छपरा अंत्योदय एक्सप्रेस जो है हर शुक्रवार को दोपहर के 3:30 पर रवाना होती है और गोरखपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 12:45 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। 33 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 16 स्टेशन हैं और 1697 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर और ये अंत्योदय टाइप की ट्रेन है। इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है और इसमें LHB कोचेज जो है लगाए गए हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है मुंबई से गोरखपुर के बीच में वो है मुंबई गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर वीकली एक्सप्रेस जो वाया वाराणसी होकर चलती है। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस जो वाया वाराणसी होकर चलती है यह हर बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर के 3:50 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और गोरखपुर जंक्शन में यह 34 घंटे 15 मिनट बाद रात के 2:05 पे पहुंचती है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस जो वाया वाराणसी होकर चलती है इसका ट्रेन नंबर है 11081 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। हर बुधवार को यह चलती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और इसमें LHB कोचेस जो है लगाए गए हैं जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है मुंबई गोरखपुर लोकमान्य एक्सप्रेस जो वाया बढ़नी होकर चलती है। लोकमान्य एक्सप्रेस जो वाया बढ़नी होकर चलती है इसका ट्रेन नंबर है 11079। ये जो ट्रेन है 33 घंटे 40 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं, 1746 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में जो है सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। लोकमान्य एक्सप्रेस जो है इसे सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लोकमान्य एक्सप्रेस जो है हर बृहस्पतिवार को दोपहर के 3:50 पर रवाना होती है और 33 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। रात के 1:30 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसमें LHB कोचेज जो है दिए गए हैं जो कि सेफ्टी और स्पीड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेज माने जाते हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस जो वाया बढ़नी होकर चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 15066। ये जो ट्रेन है पनवेल जंक्शन जो कि मुंबई का एक स्टेशन है यहाँ से हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को यानी कि हफ्ते के चार दिन चलती है और 34 घंटे 40 मिनट बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में 4:30 पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1745 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है और उसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है मुंबई
लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस जो वाया बढ़नी होकर चलती है, इसका नंबर है 15064। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार को शाम को 5:50 पर रवाना होती है और 34:40 बाद ये गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:30 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 1746 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल रिजर्व डिब्बे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर अवध एक्सप्रेस, इसका ट्रेन नंबर है 19037। ये जो ट्रेन है बांद्रा टर्मिनस मुंबई से हर इतवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को रवाना होती है गोरखपुर जंक्शन के लिए और मुंबई से गोरखपुर की जो दूरी है 39 आवर्स 5 मिनट्स में यह कवर करती है। इसके तकरीबन 70 के करीब जो है स्टेशन हैं और 1842 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसमें एलएचबी कोचेज जो है लगाए गए हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार की कोच भी शामिल है। पेंट्री कार से ये होता है कि आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो भी अवध एक्सप्रेस है। इस ट्रेन का पूरा नाम है बांद्रा टर्मिनस मुजफ्फरपुर अवध एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है वैसे मुजफ्फरपुर तक चलती है, इसका ट्रेन नंबर है 19039। ये जो ट्रेन है 39 आवर्स 5 मिनट्स में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 67 स्टेशन हैं, 1842 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को रात को 10:40 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 39 आवर 5 मिनट्स बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में दोपहर के 1:45 पे पहुंचती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार के कोच भी शामिल हैं। ये जो ट्रेन है वैसे बांद्रा टर्मिनस से मुजफ्फरपुर बिहार के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर तक की बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं इस ट्रेन पे जो इस ट्रेन रूट पे जो आखिरी ट्रेन चलती है मुंबई से गोरखपुर के बीच में, वो है खुशीनगर एक्सप्रेस। खुशीनगर एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 11015 और ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये रोजाना रात के 10:45 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 48 स्टेशन हैं, 1680 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल रिजर्व डिब्बे हैं। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसलिए आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता और इसे सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। खुशीनगर एक्सप्रेस में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल रिजर्व डिब्बों के साथ पेंट्री कार के कोच भी शामिल है जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई से गोरखपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखते रहें। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके जरा बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर अभी तक इंडियन रेल मुसाफिर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।